नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस ने अपने पहले मुकाबले में दूसरी नई टीम लखनऊ को धमाकेदार तरीके से हराया, 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज करी। लेकिन इस जीत के अभियान के शुरुआत के साथ ही हार्दिक पांड्या खुश नहीं है, क्योंकि वैसे आपको बता दें कि दोनों ही टीमें नहीं थी, दोनों टीमें अपनी जीत के साथ शुरुआत करना चाहती थी, अपने अभियान की शुरुआत करना चाहती थी और हार्दिक पांड्या की टीम कहीं ना कहीं उसमें कामयाब भी रही। लेकिन इस जीत के बाद भी हार्दिक खुश नहीं है, वो कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ और भी अपनी चीजों में सुधार करना चाहते हैं और उस सुधार को लेकर उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा। हार्दिक पांड्या ने अपनी बल्लेबाजी को लेकर सवाल खड़ा किया। हार्दिक पांड्या ने कहा कि बल्लेबाजों को, खासतौर पर ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को थोड़ा सा जिम्मेदार होना पड़ेगा, थोड़ा सा जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ओपनिंग नहीं चलती है तो निचले क्रम के बल्लेबाजों पर दबाव आ जाता है, निचले क्रम के बल्लेबाज उस तरीके से खुलकर नहीं खेल पाते, इसीलिए थोड़ा सा बल्लेबाजों को जिम्मेदार होना पड़ेगा, मैच्योरिटी से खेलना पड़ेगा, खासतौर पर ऊपर क्रम के बल्लेबाजों को। आपको बता दें कि लखनऊ के खिलाफ शुभमन गिल के साथ में मैथ्यू वेड को जिम्मेदारी दी गई थी और दोनों ही खिलाड़ी कोई खास कारनामा नहीं कर पाए। शुभमन गिल से बड़ी उम्मीदें थी गुजरात को, लेकिन शुभमन गिल भी कोई खास कारनामा नहीं कर पाए। मैथ्यू वेड ने भी कोई बड़ी आतिशी पारी नहीं खेली, इसीलिए हैदराबाद, हालांकि गुजरात की टीम को जीत दर्ज हुई है। हार्दिक पांड्या ने अच्छी पारी खेली, राहुल तेवतिया ने आखिर में आकर अपना उसी पुराना अंदाज दिखाया। तो इस तरीके से हार्दिक पांड्या खुश हैं, निचले क्रम के बल्लेबाजी खुश हैं। जिस तरीके से राहुल तेवतिया ने फिनिश किया, अभिनव सदरंगी ने फिनिश किया, तो वो एक शानदार बल्लेबाजी उन्होंने बताई, लेकिन ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों से खुश नहीं है और उन्हें सलाह देते हुए कहा कि थोड़ी सी जिम्मेदारी से बल्लेबाजी आप लोगों को करनी चाहिए। तो आपका हार्दिक पांड्या के इस बयान पर क्या कहना है? क्या वास्तव में हार्दिक पांड्या को गुजरात की टीम को ऊपरी क्रम में कुछ बदलाव करने की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि मैथ्यू वेड की जगह गुरबाज को ओपनिंग करवाने की जरूरत है? आपका जो भी मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।